एवरीवन, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी सीपीओ का एग्जाम देने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लास्ट मोमेंट पे मैथ्स की रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की है, अगर आप उसको रिविज़न कर लेंगे तो आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मोर देन सफिशियंट है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 27, 28, 29 जून को, और इसके लिए बहुत कम टाइम रह गया है। मैं अंजलि शर्मा आपको पूरी डिटेल दूंगी कि आपको किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करनी चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम चलिए बताने वाले हैं आपको कि मैथ्स के कौन से टॉपिक हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो और आप 50 में से मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आ पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमने यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 27, 28, 29 जून 2024 को, ठीक है। इसके बाद देखिए एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको जानना ज़रूरी है। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, और जीके के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स के ये देख लीजिए 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। टोटल जो पेपर है आपका वो 2 आवर्स का पेपर होगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स के बारे में बताते हैं आपको कि ये वाला जो टॉपिक है इसके बारे में 50 में से मैक्सिमम नंबर आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो आपको किन टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। मैं आपको अब बताने वाली हूँ टॉपिक्स के नेम, और नेगेटिव मार्किंग भी है इसलिए आपकी प्रिपरेशन का मतलब फोकल पॉइंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यानी फोकस आप उसी पे करें जो सिलेबस में मेन टॉपिक्स हैं, बस उतना, ठीक है। तो चलिए देखिए हम टॉपिक यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 50 क्वेश्चंस के 50 मार्क्स के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे फोकस करना चाहिए। नंबर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इसमें बड़ा टॉपिक है, रिमाइंडर वाले भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ जीरोस निकालना, और बहुत सारे टाइप्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर रखे हैं, अभी आपको बताते हैं। सेकंड टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। थर्ड टॉपिक है एवरेज के 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है परसेंटेज, ये मैं वही टॉपिक लिख रही हूँ जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ इतनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। इसके बाद इसी में आ जाता है डिस्काउंट, ठीक है। इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है आपका CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला टॉपिक, ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस आप ले लीजिए, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, बोटैनिक स्ट्रीम हो गया, सर्ट्स हो गया, ये वाले टॉपिक सारे इसमें आ जाएंगे। अब हमने इसके लिए आपके लिए क्या किया है, किस तरीके से आप प्रिपरेशन अब कर सकते हैं, अभी आपको ये बताने वाले हैं। देखिए हमने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और देखिए ये हमारे चैनल पे जा करके ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप जो प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं वो हमने आपको रिकॉर्ड करके यहाँ पे प्लेलिस्ट में लगा दिया। अभी यहाँ पे ना 20 वीडियोस के वो पड़े हुए हैं ग्रुप, लेकिन बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने इस पे अपलोड कर दी हैं, बस उसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये करीब पहुंच जाएंगी 30-40 के आसपास जो होंगी, बस इतना पढ़ लीजिएगा, ये सफिशिएंट है। अब इसमें भी देखिए हम आपको बता रहे हैं कि
कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी सीपीओ की। अगर आप सिर्फ ये प्लेलिस्ट भी पढ़ के जाएंगे, मतलब रिवीजन कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक करके वीडियोस देखते जाएं, तो आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और वही क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की थी, ये सीरीज वन है, ये 24 मिनट की वीडियो है, सीरीज टू है 23 मिनट की वीडियो, मतलब इस तरीके से हमने सीरीज स्टार्ट की थी। और सीरीज में टोटल जो सीरीज फोर, सीरीज थ्री, ये देखिए टोटल जितनी भी सीरीज हैं लास्ट में ये गई हैं। देखिए लास्ट की सीरीज, देखिए 14 ये है, और 15 सीरीज तक तो पूरा सीरीज है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं केवल मैथ्स के ही क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टॉपिक्स के जो ज़्यादा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी हमने अलग से वीडियो बना के अपलोड की है, उसको जरूर रिविजन करिए, क्योंकि केवल पेपर्स के ही क्वेश्चन है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के अलग से टॉपिक के क्वेश्चंस हैं इसमें। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में 45 क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें लिखा भी है बार बार पूछे जाने वाले 45 सवाल। तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री अगर ये कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का हर तरीके क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा, और हर क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है शॉर्टकट मेथड से। तो उसके बाद अब जैसे कि ऊपर इसके थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, कंप्लीट एल्जेब्रा 1 घंटे 10 मिनट 50 सेकंड की वीडियो है, और इसमें कंप्लीट एल्जेब्रा के जितने भी टाइप्स हैं, हर टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन कर रखे हैं, वो भी क्वेश्चन पेपर में से उठा करके किए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सर्ट्स और इंडिसेस के 30 सवाल वो हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए लास्ट मोमेंट की रिविजन ये होती है, ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया और उसी में से आपका आ गया। अब आपको देखना है कि टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जो रिविजन कैसे करें, जैसे क्वेश्चन उस टॉपिक में से कौन कौन से आएंगे उसके अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन करना, मतलब टू द पॉइंट ही पढ़ना, स्मार्ट स्टडी करना, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस तो आपके देखिए सर्ट्स में हो गए। इसके बाद देखिए एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कर रखे हैं, और ये 56 मिनट की वीडियो है, आप देख लीजिएगा इसको। ये देखिए लिखा है सीपीओ प्रीवियस ईयर पेपर के, हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, और बहुत सी वीडियो तो मैंने अपलोड किए हैं लेकिन प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किए, तो मैं उसको एक दो दिन में ऐड कर दूंगी। और इसमें अभी 20 वीडियो हैं, करीब 30-40 वीडियोज़ होंगे जो आप लास्ट मोमेंट के रिवीजन पे करके जाएंगे, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आप बुक लेंगे, आप पूरी प्रिपरेशन करेंगे, लास्ट मोमेंट पे आप क्या क्या पढ़े रिवीजन नहीं हो पाता है, कई बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं नहीं समझ में आता है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें 20, अब देखिए ये वाला बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन वाले क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के जरूर आते हैं, तो उसमें भी 18 क्वेश्चन हैं जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और क्वेश्चन पेपर से ही उठा के किए हैं, कि उसके बाद फिर और कोई टाइप बचता नहीं है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहती थी कि अब जो टाइम है वो स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, लास्ट मोमेंट पे लास्ट रिवीजन कैसे करनी चाहिए, और जिससे मैथ्स में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं आपके, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आगे बताते हैं आपको कि ये टॉपिक्स तो आपको रिवाइज करने ही है, इन टॉपिक्स के भी वीडियोस हमारे सारे पड़े हुए हैं, हर टॉपिक के वीडियोस जाके देख लीजिए, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाके करिए तो पेपर्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई असाइनमेंट चाहिए या कुछ चाहिए, और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जीके करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली हमारी टीम अपडेट करती है, तो उसमें आप जाकर के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में पड़े हुए हैं, वो जाकर के पूरा आपकी जीके की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और उसमें क्वेश्चन पेपर भी पड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन पेपर भी जाके रिविजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपनी स्कोरिंग भी देख सकते हैं कि आपके रैंकिंग क्या आ रही है उसमें, ऑल इंडिया लेवल पे बेस्ड, ठीक है। तो इसमें आपके लिए और भी एक बात बता देती हूँ कि हमारा मोबाइल नंबर है 9873856193, और दूसरा मोबाइल नंबर है 9810691923। ये दोनों मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर हैं, इसमें अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, या किसी तरह की कोई क्वेरी आ रही है कि मान लो कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या इस टाइप के क्वेश्चन और समझा दीजिए, तो उस टाइप के आप भेज दीजिएगा मुझे,
और उसमें क्या होगा कि मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी सारे क्वेश्चंस का, तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे ना कॉल मत करिएगा, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और मैसेज का रिस्पांस मैं ज़रूर देती हूँ, क्योंकि कई बार मेरी लाइव क्लास भी चल रही होती है, ऑफलाइन क्लास भी चल रही होती है, तो मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ, लेकिन मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो इससे आपकी पूरी मैथ्स की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो जो हेल्प चाहिए वो आप बता भी सकते हैं कि हमें ये चाहिए, ये नोट्स चाहिए, या इस तरीके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि मैथ्स की रिवीजन आप प्लेलिस्ट से करिए, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देंगे, और अपने मोबाइल ऐप का भी लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। और इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, या जो भी जीके वगैरह के क्वेश्चन हैं आपको उसमें मिल जाएंगे। वो सारे जितने भी लिंक हैं सोशल मीडिया के वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।